नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तिब्बत दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से माना जाता है और कई दशकों से चाइना के साथ तिब्बत के लोगों का काफी मतविरोध रहा है। चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है जबकि तिब्बत के लोग तिब्बत को एक अलग ही देश मानते हैं। तो आइए जानते हैं तिब्बत के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले शायद आपने कहीं ना सुना हो। दोस्तों, तिब्बत दुनिया का एक ऐसा जगह है जो उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में ना होते हुए भी वहाँ के जैसा काफी खूबसूरत है और तिब्बत का काफी सारा हिस्सा दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से गिना जाता है। उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में आप ना होते हुए भी वहाँ के जैसा झील, बर्फीले पहाड़ और बर्फीली जमीन का मजा उठा सकते हैं। तिब्बत में कुछ ऐसी भी लेक मौजूद है जिसे देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और इसकी खूबसूरती काफी हैरान करने वाली है। तिब्बत एशिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां से सिंधु, मेकोंग और ब्रह्मपुत्र जैसे 6 नदियों का उत्पत्ति हुआ है और इन नदियों के पानी के द्वारा लगभग 200 करोड़ लोग फायदेमंद होते हैं। यंगबजिंग तिब्बत का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे वातावरण ठंड होने के बावजूद यहाँ के झीलों का पानी काफी गर्म होता है। दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध झील मानसरोवर तिब्बत में ही स्थित है। तिब्बत के लोग काफी सारे अजीब चीजों को मानते हैं, जैसे कि हर झील में ड्रैगन का वास होता है, पत्थरों में भी जान होता है, पहाड़ की अगर चक्करें लगाई जाए तो पाप मुक्त हो सकते हैं और भी अन्य बहुत सारी चीजें। तिब्बत में काफी सारे यक आप एक साथ देख सकते हैं और इसे वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। आप अगर तिब्बत में जाना चाहें तो चाइनीज पासपोर्ट होने के बावजूद आप तिब्बत में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए चाइनीज अथॉरिटी का अलग एक परमिशन लगता है। 1959 से पहले तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था और तब तिब्बत को अलग ही एक देश माना जाता था, लेकिन 1959 में चाइना ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और अब चाइना इसे अपना ऑटोनोमस रीजन बताता है। तिब्बत चाइना का सबसे बड़ा हिस्सा है लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग काफी कम हैं। दलाई लामा को तिब्बत का एक धर्मगुरु और विद्रोही नेता माना जाता है, इसीलिए दलाई लामा तिब्बत को छोड़ भारत के धर्मशाला में रहते हैं। इसके अलावा भी दिन ब दिन चाइना के खिलाफ काफी सारी आवाजें उठती रही है, लेकिन चाइना अपने ताकत का इस्तेमाल कर इसे दबा देता है और आज भी तिब्बत के लगभग 800 से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यहाँ पे मानव अधिकार का काफी उल्लंघन होता है। चाइना हर साल लाखों लोगों को तिब्बत में बसाता है ताकि तिब्बत के लोगों की आबादी चाइनीज लोगों की आबादी से घट जाए और इसके लिए चाइना यहाँ के विकास के लिए काफी मात्रा में खर्च भी कर रहा है। आज भी तिब्बत के ज्यादातर लोग कृषि के ऊपर काफी निर्भर करते हैं और यहाँ पे ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं। तिब्बत में स्थित पेतोला पैलेस यहाँ की राजधानी ल्हासा में स्थित है, जिसको कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। आप अगर तिब्बत की संस्कृति को देखें तो यहाँ पे चाइनीज संस्कृति का काफी प्रभाव देखा जाता है। यहाँ की बटर चाय पूरे दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।